हम लोग अपने काम, हमारे लक्ष्य बिल्कुल सामने है, साधा हुआ लक्ष्य है हमारे पास। अध्यक्ष महोदय, इनके इस घोर शराबे से हमारा रास्ता, हम भटकने वाले नहीं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को विधानसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह देश की अर्थव्यवस्था पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी बदतर बनाने पर तुली हुई है। विधानसभा सत्र के आखिरी दिन झारखंड के सीएम सोरेन ने बीजेपी पर धर्म के आधार पर लोगों को बांटकर वोट बैंक की राजनीति करने के आरोप लगाए। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक हेमंत सोरेन ने कहा कि देश कठिन दौर से गुजर रहा है। बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के गलत नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था खतरे में है। वे देश की हालत पाकिस्तान से भी बदतर बनाने पर तुले हुए हैं। विधानसभा में बीजेपी विधायकों द्वारा लगातार नारेबाजी होती रही। इस हंगामे के बीच हेमंत सोरेन ने कहा कि देश की संपत्ति धड़ल्ले से बेची जा रही है। सीएम सोरेन ने अपनी सरकार के काम को गिनाते हुए कहा, 5 सालों में जो हमने किया वह भी 50 वर्षों में नहीं कर पाते। यह कहते हैं न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन वास्तव में यह किसी को खाने नहीं देंगे, बल्कि सब हजम कर जाएंगे। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में हल्का आईना दिखाया गया है, जबकि विधानसभा चुनाव में पूरा आईना दिखाया जाएगा। हेमंत सोरेन ने आगे कहा, अभी अयोध्या में जनता ने जो तमाचा लगाया है कि उस झटके से अभी तक संभल नहीं पा रहे हैं। देश के अंदर इतनी भयावह स्थिति है, अर्थव्यवस्था की यह हालत है कि मनरेगा में पैसे घटा दिए, शिक्षा में पैसे घटा दिए। केंद्र सरकार ने 4 लाख लोगों को आवास देने की बात कही थी, हमने 3 लाख लोगों को देने का वादा किया है। बीजेपी पर आगे हमला करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा, ये वो नालायक लोग हैं जो घर में जो बुजुर्ग संपत्ति रखता है उनकी संपत्ति इन लोगों ने खा ली। इनके व्यापारी दोस्त मोटे हो गए हैं, अरबों रुपए की ऋण माफी होती है लेकिन किसानों का ऋण माफ नहीं करते। हमारी सरकार ने यह नियम लाया है कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, किसानों को और राहत देने पर विचार कर रहे हैं। नारा भी पढ़ के बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये हालत है इनके पास, नारा भी इंपोर्ट करके लेके आ रहे हैं। और जाइए, ये हालत है, भटक गए हैं अध्यक्ष महोदय, ये इनका बैटरी डिस्चार्ज हो चुका है अध्यक्ष महोदय, अब इनको इनकी ये एक्सपायरी हो चुके हैं। और आपको हम बता दें, हर सदन जब सदन आता है, नया सदन आउट होता है चुनाव के बाद, तो 50% से अधिक विधायक घर बैठ जाते हैं। तो चिंता मत कीजिए, उन 50% में आप ही लोगों की संख्या सबसे